हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का 35.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बताऊंगा। ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा जिनके हर बराबर हैं और जिनके हर बराबर नहीं हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बड़े ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीख लेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए 3/6 धन 5/6 लिखा हुआ है। ऊपर वाले चीज़ को हम क्या अंश बोलते हैं और नीचे वाले चीज़ को हम हर बोलते हैं। जिन लोगों को ना मालूम है नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को हर। देखिए भिन्न का जोड़ या घटाव तभी होगा जब नीचे वाला जो हर है वह बराबर होगा। जैसे यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो आपका हर जो है वो बराबर है। तो आसानी से हम क्या अंश को जोड़ लेंगे। जब आपका हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ेंगे, 3 धन 5 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, बटे का चिन्ह आएंगे, हर आपका बराबर था तो वहाँ पर 6 ही लिखेंगे। अब 8/6 चुका, इसे आप काट के सरल कर सकते हैं। किससे काटेंगे, 2 से काट सकते हैं। 2 चौके 8 होता है, 2 तिहाई कितना होता है 6 है, तो 4/3 आ चुका है। अगर इसे आप और काट कर सरल करना चाहें तो आपका 1/1 सही। क्या 4 में क्या किया जाता है, 3 से भाग देंगे। जब 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 सही 1/3 आ जाएगा। अब देखिए 1 सही 1/3 आ गया है, 3 का गुणा 1 में किया जाता है, 3 1 के 3, 1 जोड़ना है, 3 1 4 हो जाएगा, 4/3 वही चीज आएगा। तो 1 सही 1/3 यही आपका लास्ट फाइनली आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ तक भी आप करके छोड़ सकते हैं। ये आपका देखिए दूसरा सवाल है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। 4/3 धन 5/2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो आपका हर है 3 है, यहाँ पर आपका जो हर है वो 2 है, यानी हर आपका बराबर नहीं है। तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा। इस हर बराबर करने के लिए 2 तरीका है। पहला तो यह, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लीजिए। दूसरा, यह तो आप 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का सहारा बताता हूँ। जब आपके हर जो हो छोटे हों तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से आंसर को लगा सकते हैं। जैसे देखिए 2 का गुणा हम 4 में करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद हम 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, बटे का चिन्ह लगा देंगे। 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका हर एक ही बार में बराबर हो गया। अगर आप 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 होगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 होगा। जब आपका हर बराबर है तो उसे आप एक बार पूरे का बटा लगाकर एक ही संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए आप 8 और 15 को जोड़ेंगे, 8 और 15 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे, नीचे आपका कितना अच्छा है तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब यह तो आप यहीं तक इसे आंसर मान सकते हैं, 23/6। अगर इसे आप और काट पीट कर सरल करना चाहते हैं तो 23 में आपको क्या 6 से भाग देना है। जब 23 में आप 6 से भाग देंगे तो 3 सही क्या 5/6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 6 का गुणा 3 में करिए, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। नीचे 6 है तो 23/6 वही चीज़ लिखा हुआ है। तब ये 3 सही 5/6 यही आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको भिन्न का घटा हुआ बताता हूँ, उसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए आपका अगला सवाल है, भिन्न का घटाव है। इसमें पहला सवाल बनता है 5/6 - 3/6। इसमें भी ऊपर वाला चीज़ अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो हर है वह बराबर है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाए तो ऊपर वाले अंश को हम आसानी से क्या घटा लेंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। बटे में क्या है, नीचे 6 है तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब इसे चाहे तो आप काट के सरल कर सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/3 आ चुका है। तो यही 1/3 आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, जिसका हर बराबर नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 4/6 - 3/5 लिखा हुआ है। क्या 4/6 - 3/5, यहाँ पर हर जो है 6 है, यहाँ पर हर जो है 5 है। अब चाहूँ तो इसे मैं आपको एलसीएम विधि के द्वारा भी क्या इसे बता सकता हूँ, अगर बताऊँ तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। चलिए इसे मैं आपको एलसीएम विधि के द्वारा बताता हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर क्या हम छ और पाँच आपका जो हर है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम छ और पाँच का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर छ लिख लीजिए, यहाँ पर पाँच लिख लीजिए। अब आप एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, दो से भाग दीजिए, दो तिहाई कितना हो जाएगा, छ हो जाएगा। पाँच नहीं कटेगा तो उसे उसी तरह लिखेंगे, आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे। तीन से भाग दीजिए, तीन के तीन हो जाएगा, पाँच नहीं कटेगा, पाँच को उसी तरह लिख लें। पाँच से भाग दीजिए, यहाँ पर एक है, पाँच एक कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो आया है, तीन आया है, पाँच आया है, इसी का क्या आपस में गुणा किया जाता है, यानी दो गुणे तीन गुणे पाँच, तो दो तिहाई छः हो जाएगा, छः पंचे कितना हो जाएगा आपका, तीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीस। आपका जो एलसीएम आया है वह तीस है, तब आप क्या करेंगे, एक बटे का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे और नीचे आप क्या कर देंगे, तीस लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, छः का पहाड़ा पढ़िए, जब तक कि तीस नहीं आता तक छः के छः, छः दूनी बारह, छः त्रिक अठारह, छः चौक चौबीस, छः पंचे कितना होता है, तीस होता है। यानी छः पंचे जो तीस होता है उसी पाँच का गुणा ऊपर अंश में करना है, चार में, पाँच चौके कितना हो जाएगा, बीस हो जाएगा, तो यहाँ पर बीस लिखेंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह लाएंगे। अब पाँच का फिर से पहाड़ा पढ़िए, जब तक कि तीस नहीं आता, तो पाँच छक कितना होता है, तीस होता है। वही जो पाँच छक यानी छः बार में तीस हो रहा है, तो छः का गुणा ऊपर वाले में करना है, तीन में, तो छः त्रिक कितना हो जाएगा, अट्ठारह हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बीस में से अठारह घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। यहाँ पर दो लिखेंगे, बटे का चिन्ह है, अगर यहाँ पर तीस है नीचे तो तीस लिख लेंगे। अब दो से क्या आप तीस को आसानी से काट सकते हैं, दो एक के दो हो जाएगा, दो पंद्रह में कितना होता है, तीस होता है, यानी एक बटे पंद्रह आ चुका है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एक बटे पंद्रह, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखिए आपको हर एक संभव तरीके से बताने का प्रयास किया, जो वीडियो लास्ट तक देखा होगा वह एलसीएम के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी सीख गया होगा। तो इसीलिए बोला जाता है वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जोड़ भी बता दिया, घटाव भी बता दिया, अगर हर बराबर है तब कैसे सॉल्व करते हैं, हर नहीं बराबर है तब कैसे सॉल्व करते हैं, दो तरीका बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।